आज हम बनाने जा रहे हैं स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न को स्टीम किस तरीके से करें, परफेक्ट उसकी रेसिपी आज हम आपको देने जा रहे हैं। तो स्वीट कॉर्न को स्टीम करने के लिए जो हमें चीजें चाहिए, स्वीट कॉर्न को स्टीम करने के लिए हमने एक स्वीट कॉर्न का पैकेट लिया है, इस तरीके का होता है, मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। ये तकरीबन 200 ग्राम का पैकेट है। इसे हमने अच्छे से धोकर वॉश कर रख लिया है और 2 टीस्पून जितना हमने नमक लिया है जब हम इसे स्टीम करेंगे, जब यूज करेंगे। आज हम स्वीट कॉर्न को स्टीम करेंगे वो हम बैम्बू स्टीमर में स्टीम करेंगे। हमने बैम्बू स्टीमर ले लिया है, इसके अंदर हमने बटर पेपर बिछा लिया। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इस तरीके का छल्ला भी ले सकते हैं, ये हर घर में मौजूद होता है। हम आपको इसमें भी करके दिखाएंगे और इसमें भी करके दिखाएंगे। तो ये रेसिपी शुरू करते हैं। तो आप देखिए, हमने एक कढ़ाई ले ली है, गैस का फ्लेम हमने ऑन कर दिया। इसमें अब हम तकरीबन 4 गिलास जितना पानी डाल देंगे। तो आप देखिए, हमने इसमें 4 गिलास जितना पानी डाल दिया है। अब जो हमने नमक लेकर रखा है वो इसमें ऐड कर देंगे और इस पानी को अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से होने देते हैं इसे गर्म। देखिए, हमारे पानी को उबलते हुए 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट में अच्छी तरीके से ये उबल गया है। आप चाहें तो इस तरीके से इसके ऊपर छल्ला रख के भी इस पे स्वीट कॉर्न को स्टीम कर सकते हैं आप चाहें तो, लेकिन आज हम बैम्बू स्टीमर में से स्टीम कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल परफेक्ट स्वीट कॉर्न। अब इस छल्ले को हम साइड कर देते हैं और इसमें जो हमारा बैम्बू स्टीमर है उसे रख देते हैं आसानी। तो आप देखें कि हमने इसे बैम्बू स्टीमर रख दिया है, हमने इसके अंदर बटर पेपर भी बिछाया हुआ है। इसे रखने के बाद अब जो हमने स्वीट कॉर्न लेके रखे हैं वो इसमें डाल देते हैं सभी। तो आप देखें, हमने बैम्बू स्टीमर में स्वीट कॉर्न डाल दिए हैं। अब इसकी लिड कवर कर देते हैं और इसे इस तरीके से ही कुक होने देते हैं तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, फिर दिखाते हैं आपको हम। तो आप देखें, हमारे स्वीट कॉर्न को कुक होते हुए 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट में ये कुक हो चुके हैं, अभी 70% तक कुक हो चुके हैं, बाकी कुक नहीं हुए हैं। चम्मच से इसे एक बार चला देंगे और एक पीस चम्मच में लेके चेक कर लेंगे कुक हुआ या नहीं हुआ। तो आप देखें, हमने एक पीस चम्मच में ले लिया, इसे दबा के चेक कर लिया है हमने, अभी ये टूट नहीं रहा। तो इसकी दोबारा से कवर कर देते हैं और इसे बिल्कुल इसी तरीके से कुक होने देते हैं मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए, फिर दिखाते हैं आपको। आप स्वीट कॉर्न बना रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें, स्वीट कॉर्न को भी कभी भी बॉईल नहीं किया जाता, उसे बिल्कुल इसी तरीके से स्टीम किया जाता है, होने देते हैं मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए। आप देखें, हमारे स्वीट कॉर्न को कुक होते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। 3 से 4 मिनट में अच्छी तरह से कुक हो चुका है। दोबारा से इसकी लिड कवर कर देते हैं और जो कढ़ाई की लिड है वो भी लगा देते हैं और इसको इसकी स्टीम में ही छोड़ देते हैं दोबारा से 3 से 4 मिनट के लिए, फिर करते हैं डिश आउट। तो लीजिए, हमारा स्वीट कॉर्न बनके तैयार है, हमने इन्हें डिश आउट कर लिया है। इससे हम आपको एक कई रेसिपियां देने वाले हैं, तो आप ये रेसिपी जरूर से बनाएं, हमारे तरीके से बनाएं, चैनल जाएगा दिल्ली के तरीके से बनाएं। हमारे डिश को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। अल्लाह हाफिज।